हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिडर किया है जिसका रेडियस आर है एंड इसको हमने चार्जेस दिए सिमेट्रिकल एंड अभी सिमेट्रिकल बॉडी है तो चार्जेस सारे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। और हमें बताया फार्मूला सी इक्वल्स टू क्या रहता है, क्यू डिवाइड बाई वी। ओके, सी इक्वल्स टू क्या रहता है, क्यू डिवाइड बाई वी। एंड पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, आंसर क्या आता है, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस शेल। अब मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट का पोटेंशियल आ सकता है क्या? नहीं, एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं आ सकता। ओके, यस। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में इनसे कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो वी पोटेंशियल एट सरफेस ड्यू टू दिस सेल, तो क्या आता है फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। अब जस्ट वी को यहाँ पर प्लेस कर दो, आपको मिलेगा सी इक्वल्स टू क्यू इंटू आर डिवाइड बाई के क्यू। ओके, तो क्यू क्यू गेट कैंसल आउट, सी इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई के, फाइनल इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एंड फाइनली वी विल गेट सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर क्या है हमारा, रेडियस, रेडियस ऑफ दिस स्पीयर। ओके, अंडरस्टैंड आपको ये इक्वेशंस कैसे आया, ये इक्वेशन कैसे आया, बहुत आसान है। जस्ट एक सेल, स्फेरिकल सेल ले लो, इसमें चार्जेस दे दो एंड उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल बन रहा है वो देख लो, और सेकंड पॉइंट इसका सेंटर से यहाँ कंसिडर कर लो, आपका काम बन जाएगा। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अर्थ का कैपेसिटर कितना बनता है। ओके, तो अर्थ का कैपेसिटर कितना बनता है वो देख लो। तो अगर हमें अर्थ का रेडियस पता है जो कि रहता है 6400 किलोमीटर, इतना रहता है, तो अगर हमने इनके वैल्यूज़ प्लेस कर दिए तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6400 किलोमीटर। तो ये बनेगा 711 × 10⁻⁶ फैरड। ओके, तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना बना है, 711 × 10⁻⁶ फैराड, ये अर्थ का कैपेसिटेंस बनने वाला है। ओके, अब अर्थ का कैपेसिटेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तब कुछ अजम्पशंस रहते हैं। ओके, तो वो अजम्पशंस ये रहते हैं कि हमने नेगेटिव पॉइंट इन्फिनिटी पे, सेकंड पॉइंट हमने इन्फिनिटी पे कंसिडर करके ये कैलकुलेशन किया है। बट डोंट वरी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आता है, 711 × 10⁻⁶ फैराड। ओके, अब इसमें एक और चीज़ रहती है, देखो क्या है, हम इंटरव्यू में इसे पूछते हैं, तो क्या आप आपके घर में 1 फैरेड कैपेसिटर रख सकते हैं क्या, या हम पूछते हैं कि बच्चों आपने 1 फैरेड का कैपेसिटर कभी देखा है क्या। तो अगर बच्चों को थोड़ी कंसेप्ट पता है तो वो बोल सकता है नहीं हाँ वो जो है, बट और हम कभी कभी ये भी पूछते हैं कि क्या आप आपके घर में 1 फैरेड का कैपेसिटर रख सकते हैं क्या, तो नहीं, क्यों नहीं रख सकते। देखो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना बन रहा है, 711 × 10⁻⁶ फैरेड, तो 1 फैरेड कितना बड़ा बनेगा। ओके, तो हम हमारे घर में 1 फैरेड का कैपेसिटर नहीं रख सकते। ओके, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। थैंक यू।